अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू द्वारा ये कहा गया, जो धर्म गुरु है उनसे आग्रह किया गया कि जो मनी कल्चर है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, जो खासकर चुनाव के वक्त देखा जाता है। अगर आप पैसा लेकर आप रहे तो क्या होगा, उसी का गुलाम जैसा हो गया है। हम गुलाम बनना नहीं चाहिए, हम अपना ही मालिक होना चाहिए। पेमा खांडू जी ने बहुत अच्छा ही किया है, जो मनी से काम नहीं होता है वो नहीं करने से तो बहुत अच्छा है। वो सबको, हम लोग जितना सीखे, हम जितना मिले, हम सबको कहेंगे। और खांडू साहब भी वैसा कह रहा है, तो हम लोग के दिमाग में भी वही है, पैसा से काम नहीं होता है। और खांडू जी के भी याद हो गया है, वो भी बहुत अच्छा है। मगर ऐसे राजनेता, ऐसे लीडर्स जो वोट खरीदने के लिए पैसे देने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहें? जब भी चुनाव आता है मनी कल्चर का भी जिक्र होता है। लोकतंत्र का त्यौहार चुनाव, जहां हम अपने राजनेता को चुनते हैं और अपने सेवक को चुनते हैं, इस तरीके से चुनाव का एक रूप है। मगर काफ़ी बार जिक्र होता है मनी कल्चर का, कहा जाता है कि वोट के बदले पैसे दिए जाते हैं और ये कल्चर कितना बुरा है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा धर्म गुरुओं से भी आग्रह किया गया और कहा गया, उन्होंने कहा कि धर्म गुरु भी लोगों को जागरूक करें। नमस्कार भांटी जी, आपका स्वागत है राष्ट्रीय दृष्टि में। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, हाल ही में शायद आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू द्वारा ये कहा गया, जो धर्म गुरु है उनसे आग्रह किया गया कि जो मनी कल्चर है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, जो खासकर चुनाव के वक्त देखा जाता है। कहा जाता है कि लोग पैसे के बदले वोट डालते हैं, तो ये कितना सही कितना गलत है और समाज के लिए कितना नुकसान देने वाला चीज़ है, कैसे आप देखते हैं, इस पर क्या कहेंगे? मनी के बारे में कहने जाए तो बहुत खराब है, क्योंकि मनी मतलब पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो कोई भी हो, अगर आपको पैसा दिया है तो, पैसा आप लिया है तो, वो तो आपका खरीद लिया जैसा है। हम लोग जैसा समझो कि हम दुकान में कुछ खड़ा हो गया है, कुछ सब पैसा दिया है और सामान हम लोग ले गया है, वैसे ही एक आदमी का मूल्यांकन नहीं कर सकता है। आपको दे सकता है 1,000 रुपया, 2,000, ज़्यादा से ज़्यादा के पास 10,000 रुपया। 10,000 रुपया अपना कितना दिन के लिए है, शायद एक सप्ताह, दो सप्ताह या एक महीना। लेकिन हम लोग जब चुनाव में चुनता है वो कम से कम 5 साल, 5 साल उसी के हम बढ़ाते ही जाएगा, अगर उसका काम अच्छा है तो। अगर अच्छा नहीं लगे तो हम उसको नेक्स्ट टाइम में चेंज कर सकता है। अगर आप पैसा लेकर आप रहे तो क्या होगा, उसी का गुलाम जैसा हो गया है। हम गुलाम बनना नहीं चाहिए, हम अपना ही मालिक होना चाहिए। उसीलिए जो भी हो, हम लोग का आदमी लोग, हम बोलता है आप लोग पैसा से लेन देन कोई भी नहीं करेगा। पैसा पहले भी हम बोल रहा है, पैसा बहुत होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है। इसीलिए पैसा से काम नहीं करना है। और जो अभी MLA हो, मिनिस्टर हो, जो भी आने वाला है, उन लोग भी हम रिक्वेस्ट करेगा, पैसा से नहीं, प्यार से और अपना काम से, काम दिखाकर, प्यार दिखाकर आप उसको नज़दीक हो सकता है। ये आपसे इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे कि जैसे कि कहा जाता है कि वोटर्स को ज़्यादातर, जब भी मनी कल्चर का बात होता है तो हम देखते हैं कि वोटर्स को ही जागरूक करने के बारे में कहा जाता है कि आप पैसे लेकर वोट मत दो, खुद को मत बिक्री करो, ठीक है। मगर ऐसे राजनेता, ऐसे लीडर्स जो वोट खरीदने के लिए पैसे देने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? वही अभी बोल रहा हूँ, हम जो भी हो, कैंडिडेट हो गया है, वो कैंडिडेट लोग को कोई भी कोशिश नहीं करना है कि पैसा से खरीद लेने के लिए, क्योंकि आप लोग, हम लोग के लिए आप लोग गया है, जनता के लिए आप लोग को हम लोग चुनता है।
तो हम जो आप पैसा देना चाहता है वही पैसा जमा करो और समाज के लिए काम करो। जब आप जीत गया है तो आप लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा और लाखों रुपया के बहुत काम कर सकेगा। वो हम लोग का समाज में या देश में बहुत गरीब आदमी भी है तो किसी का घर नहीं है, किसी का बाड़ी नहीं है, किसी को कोई कोई तो आदमी का अपना ट्यूबवेल भी नहीं होने वाला आदमी भी है, उन लोग के लिए तो बहुत काम आ जाएगा। इसीलिए आप लोगों को भी कहता है, जो कैंडिडेट लोग को भी, आप लोग पैसा देने की कोशिश नहीं करना है और आदमी लोग को समझाना है। हम तो दूसरा आदमी पैसा देने से भी क्या बोल रहे हैं, पैसा नहीं लेना है, नहीं लेगा, क्योंकि वो पैसा से हम समाज के काम करेगा। क्योंकि आप लोग को हम लोग भेजा है तो समाज के काम करने के लिए, कहाँ क्या तकलीफ है। कई जगह में हम लोग देखा है तो रास्ता बहुत ख़राब है, कोई कोई जगह में तो लाइट नहीं है, कोई कोई जगह में तो पानी नहीं है। और अपना जितना खर्च करने चाहता है, 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख या 1-2 करोड़ आप लोग खर्च करना चाहता है, तो वही पैसा से हम लोग का समाज के लिए काम करने लगे हम चाहता है। भांटी जी, एक आखिरी सवाल ये कहना चाहूँगा, तो जो एक इनिशिएटिव जो सीएम पेमा खांडू की तरफ से लिया गया है और प्रमोट किया जा रहा है, नो वोट फॉर मनी, और जो मनी कल्चर के विरुद्ध एक जंग जो छेड़ी गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पेमा खांडू जी ने बहुत अच्छा ही किया है, जो अभी हम कहता है जैसा मनी से काम नहीं होता है, वो नहीं करने से तो बहुत अच्छा है। वो सबको हम लोग जितना सके, हम जितना मिले, हम सबको कहेंगे, और खांडू साहब भी वैसा कह रहा है, तो हम लोग के दिमाग में भी वही है, पैसा से काम नहीं होता है। और खांडू जी के भी याद हो गया है, वो भी बहुत अच्छा है। हम लोग धर्म गुरु से ही नहीं, आज लोग का वो जवान लोग को भी जागरूक करना पड़ेगा, विकास जो है, जो डेवलपमेंट उसे देना है, जो जो काम कर सकता है आजकल, और उन लोग को तो बता सकता है, हम भी वैसे ही बता रहा है। आदमी जो जो हम लोग को मिलने का आता है तो पैसा से काम नहीं होगा। तो अभी तो सुना है आपका मुंह से, खांडू साहब भी वही चाहता है, बोल रहा है, इसीलिए सबको हम रिक्वेस्ट करता है और करते रहेंगे जितना जितना दिन सके, अगर मेरा तबीयत ठीक है तो, है ना। धन्यवाद भांटी जी, आपने इतना ज़्यादा समय दिया और एक मुहिम जो काफ़ी लोग अरुणाचल प्रदेश में चाहते हैं कि मनी कल्चर को ख़त्म किया जाए, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो धर्म गुरु हैं वो भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, और हर कोई यही चाहता है कि मनी कल्चर ख़त्म हो और विकास जिस स्पीड से है उसकी स्पीड दुगनी हो और तरक्की की तरफ बढ़े, ना कि मनी कल्चर के गहराई में और उस खाई में वोटर्स गिरें। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए राष्ट्र दृष्टि। धन्यवाद। जय हिंद।